वो पूरी फिल्म में तब्दील हो गया। ये सभी कलाकारों की सभी एक कमाल की हसीना हमारी फिल्म इंडस्ट्री की मॉडल एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा जी इस वक्त स्टेज पर हैं। जोरदार तालियां शर्लिन जी के लिए। हमारी बिग शॉट इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी जो शुरू होने जा रही है, डीके श्रॉफ जी बिजनेस मैनेजर हैं शर्लिन चोपड़ा जी के। प्लीज आइए सुधीर जी। और जी हमारे सारे कलाकार डीके सर के साथ आज इस शाम की शुरुआत करेंगे, इस लॉन्च करेंगे आज के। जगत गुरु महाराज जी से मैं गुजारिश करूंगा प्लीज अपना आशीर्वाद हमें यहाँ पर दे स्टेज पर आकर के। बेदी साहब बलदेव सिंह बेदी जी जो गुरु बाबा वाडबाग जी सिंह सोडी जी के पूरे ग्रुप की तरफ से भक्तों की तरफ से आए हुए हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो भी आए और उनके साथ। आपको मजा नहीं आता है, हमें भी मजा आ रहा है आपके साथ, मगर मैं चाहूंगा थोड़ा शांति से। आपको पूरे फोटोज भी मिलेंगे, वीडियोज भी मिलेंगे, सारी बाइट्स मिलेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक ऐसा छोटा सा शहर जुन्नारदेव जिसका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, छिंदवाड़ा जिला, वहां पर पले बड़े डीके श्रॉफ जी। मुंबई में ना इन्हें कोई जानता है, ना ये किसी को जानते हैं, ना फिल्म इंडस्ट्री में इनका कोई गॉडफादर तो बहुत दूर की बात है, शायद बात करने वाला भी कोई नहीं। इन मीडिया एज बिजनेस मैनेजर और आज एक प्रोड्यूसर एक इवेंट कंपनी के ओनर के हिसाब से आप सोच सकते हैं कितनी तकलीफें, कितनी मजबूरियां, कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत करके डीके श्रॉफ साहब आज यहां तक पहुंचे होंगे, कितनी ठोकरें खाई होगी, कितनी रातें जगे होंगे, कितनी रातें सड़कों पर फुटपाथ पर गुजारी होगी। और आज श्री राजू श्रीवास्तव, बिल्कुल ऐसा थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता 70s के अमिताभ बच्चन के युग में पहुंच गए जैसे राजू जी आते हैं स्टेज पे। डीके श्रॉफ जी के लिए एक शेर कहना चाह रहे हैं हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट और शो ऑर्गेनाइजर अकबर शोलापुरी जी, हमारे पुरोधा हैं, पूर्वज हैं। इनकी वजह से मैं कहूंगा कि स्टेज पर शायद हम जैसे कलाकार हैं तो इन्हीं जैसे ऑर्गेनाइजर्स और कॉम्पियर्स की वजह से हैं। अकबर, मैं चाहूंगा शर्लिन जी दो शब्द कहें और इसके बाद फिर हम दीप उनके हाथों से सब लोग जितने सीनियर लोग हैं सब जलाएंगे। किसी का सपना है डांसर बनना तो किसी का एक्टर। क्या आपको पता है डीके जी का सपना क्या है? कलाकारों के सपनों को साकार करना। डीके जी आपके इस निस्वार्थ सोच को हम सलाम करते हैं, आपके इस सोच को खूब सारा बल मिले और खूब सारी गति मिले, ये हमारी प्रार्थना है। और बिग शॉट इवेंट्स एंड बिग शॉट इवेंट्स के साथ जुड़े सभी कलाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे राजू जी के सिर्फ इतने दो शब्दों से तो मेरे ख्याल है आप लोगों का मन भरेगा नहीं ना, आपको और तो राजू जी की मतलब जरूरत होगी, यहाँ ऑडियंस का डिमांड है, तो आएंगे राजू जी बाद में भी, ये मतलब मैंने पहले ही गारंटी यहाँ पर कर ली है स्टेज पे ही सभी के गवाही के बीच में कि फिर से आएंगे और दो शब्दों के अपनी कतार को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आज ऑफिशियली लॉन्च करेंगे इस इवेंट को। गजेंद्र चौहान जी यहाँ पर आ चुके हैं, जोरदार तालियां गजेंद्र जी के लिए। देखिए इतने सीनियर कलाकार है चुपके से आकर के साइड में खड़े हो गए, यही एक महानता होती है अच्छे और बड़े कलाकारों की। और बहुत काम किया इन्होंने हमारी जो सेंटा एसोसिएशन है, आर्टिस्ट एसोसिएशन, उसके लिए, और अब और काम कर रहे हैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां गज्जी के लिए हो, गजेंद्र चौहान जी हमारे प्यारे से गज्जी, जोरदार तालियां हो दोस्तों प्लीज। थैंक यू सो मच। और अब दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के हमारे इस लॉन्च इवेंट का। बिग शॉट्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आप सभी के सामने अब लॉन्च होने जा रही है ऑफिशियली। दीप प्रज्वलित करेंगे शर्लिन चोपड़ा जी और मंच पर मौजूद हमारे सभी कलाकार और हमारे जो गणमान्य जन हैं यहाँ पर अतिथिजन हैं उनका भी आशीर्वाद होगा। मैं चाहूँगा राजेश जी जो हमारे पार्टनर हैं वो दीप प्रज्वलन का पूरा, अकबर शोलापुरी जी सारे। तो दोस्तों जैसा यहाँ पर आपने कहानियां सुनी सभी कलाकारों की, ऐसे करते करते आप यकीन नहीं करेंगे करीब करीब 300 प्लस कलाकारों के बिजनेस मैनेजर डीके श्रॉफ जी थे, हैं और रहेंगे। किसी के परमानेंट रहे हैं, किसी के प्रोजेक्ट वाइज जुड़े हैं, एज पर प्रोजेक्ट, एज पर किसी काम के हिसाब से ये जुड़ते गए हैं। और ऐसे करते करते 300 प्लस कलाकारों के ये बिजनेस मैनेजर रह चुके जिनके साथ लगातार ये फिल्म इंडस्ट्री में, कला जगत में काम ये करते रहते हैं और प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, टेक्नीशियंस के साथ, कलाकारों के साथ मिल करके अच्छे अच्छे फिल्म प्रोजेक्ट्स, टीवी प्रोजेक्ट्स शुरू करवाते रहते हैं। आज शुरुआत जगत गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए। जगत गुरु जी मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो बिग शॉट इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी के आज इस अनवीलिंग की। और जैसे आप पीछे भी देख रहे हैं कि हमारे जो बैनर है बिग शॉट इवेंट मैनेजमेंट का वो भी अनवील होता जा रहा है दीप प्रज्वलन के साथ साथ। दोस्तों तालियां जोरदार हो बिल्कुल गगनभेदी, क्योंकि ये लॉन्च है
एक इंसान के सालों की मेहनत का आज ये एक ऐसा पड़ाव है जहां पर हम सभी कृतार्थ हो रहे हैं, सभी मिलजुल करके आगे बढ़ा रहे हैं इस अच्छे नेक और कलात्मक काम को जो नए नए आयाम देगा हमारी इस फिल्म टीवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑन द होल, ए टू जेड ऑफ फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। शर्लिन चोपड़ा जी, बाबा जी की तरफ से दीप प्रज्वलित किया है। शर्लिन चोपड़ा जी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। स्टेज पर हम जितने आ सकते हैं उतने तो हैं ही, मगर समस्त कला जगत का पूरा साथ और आशीर्वाद साथ में है और सभी इस दीप प्रज्वलन में हमारे साथ हैं। लॉन्च हुआ है हमारी कंपनी के साथ साथ, मैं वेदी जी को दूंगा माइक कि वो आगे इस बारे में बताएं। रणवीर गहलोत जी ने जिस तरह से डीके शॉप ने आज अपना योगदान दिया है बाबा जी के जन्म दिवस पे, हमारे रणवीर साहब गहलोत साहब ने ये जो महानगर मेल उनका ऑल इंडिया में पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसमें बाबा जी का ये स्पेशल एडिशन उन्होंने निकाला है जिसमें बाबा जी की तस्वीर और बाबा जी के बारे में पूरा विस्तार में जानकारी। दोस्तों, बिग शॉट इवेंट्स मैनेजमेंट के लॉन्च के साथ साथ आज लॉन्च हुआ है महानगर मेल का ये बहुत ही सुंदर न्यूज़पेपर भी, और ये कमाल की मैगजीन फिल्म्स टुडे। और ये बड़े कमाल की बात है कि देखिए फिल्म्स टुडे टाइटल है मगर धर्म का साथ में आशीर्वाद है, बाबा जी के आशीर्वाद के साथ में, बड़बाग जी सोडी जी के आशीर्वाद के साथ में ये फिल्म टुडे मैगजीन लॉन्च हो रही है बेदी जी और उनके पूरी टीम के द्वारा। बहुत ही शुभ अवसर है, पावन अवसर है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि इतनी मेहनत, इतने कठिन परिश्रम से आज यहाँ 300 प्लस आर्टिस्ट और अनगिनत टेक्नीशियंस, अनगिनत मैं बहुत खुश हूँ जो डीके जी ने ये कदम लिया है अपने कलाकारों के सपनों को साकार करने के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डीके जी, और बिग शॉट इवेंट्स और बिग शॉट इवेंट्स के साथ जुड़े सभी कलाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। आई लव यू पापा। थैंक यू। तो शर्लिन, क्या करना चाहेंगे आपके मतलब करियर में, कितना इंपॉर्टेंस है बिजनेस मैनेजर का, किस तरह से हेल्प आउट किया आपके करियर में? वेल, एक बिजनेस मैनेजर का काम ये होता है कि वो अपने आर्टिस्ट को, अपने टैलेंट को कहाँ दिखाऊँ। Can I proceed? मैं कह रही थी एक बिजनेस मैनेजर का ये काम होता है कि वो अपने, गाइज प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक, एक बिजनेस मैनेजर का काम होता है कि वो अपने आर्टिस्ट्स को गाइडेंस दें, सपोर्ट करें और बताएं कि क्या सरल आसान होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का और क्या नहीं। एंड आई लाइक द ईजी वे, क्योंकि मुझे लगता है दैट लाइफ इज़ अबाउट हैविंग फन। तो अगर जो रास्ता हम अपनाते हैं उसमें फ़न ना हो तो फिर जर्नी का कोई मज़ा नहीं आता। सो आई फील दैट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी एन्जॉय द जर्नी ऑफ our ambitions, our goals. And ये बात डी के जी ने मुझको सिखाया कि बेटा जो भी करो उस काम के मज़े लो। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो उस काम के मज़े लो, आप मॉडलिंग कर रहे हैं उस काम के मज़े लो। अगर आप मज़े नहीं ले रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है वो काम करने का? क्या हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी बहुत मायने रखता है। तो इनके संगत में रहकर मैंने इनसे कई बातें सीखी हैं और कुछ ऐसी बातें जिनके चलते मेरी जो पर्सपेक्टिव है
ज़िंदगी के ज़िंदगी को मद्दे रख कर और यू नो गोल्स एम्बिशंस इन सब को ध्यान में रखकर मेरे पर्सपेक्टिव्स में बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू मैम. कामा सूत्रा आपकी रिलीज नहीं हो पाई है, देखा जाए तो कब तक रिलीज होने के चांसेस हैं? उसके बारे में उस फिल्म की स्टार कास्ट, उस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में आप पूछेंगे तो उन लोगों से पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा. ना मैं यही तो कह रही हूँ, उस फिल्म की स्टार कास्ट, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से आप पूछेंगे, बात करेंगे तो आपको पता चलेगा. लास्टली ये पूछना चाहूँगा, जैसा कपिल शर्मा शो का मतलब बंद होने की बात आ रही है तो क्या करना चाहिए? अनप्रोफेशनल एटीट्यूड जो होता है, जैसे लेट आना इवेंट्स पे हो गया या शो पे हो गया, कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी के करियर को? ये टाइम पे आती है. नहीं, आई थिंक इट वुड बी हाईली इनसेंसिटिव फॉर मी टू कमेंट ऑन एनीबॉडी एल्स. मेरा काम ये है कि मैं अपना बिजनेस माइंड करूँ और बस अपनी मंजिल पर मैं फोकस करूँ. लोग लेट जा रहे हैं काम के लिए, जल्दी जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं. लिसन, यू नो व्हेन आई स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू पीपल्स बिजनेसेस, देन आई लूज फोकस ऑफ माय बिजनेस एंड वुड आई वांट दैट? द आंसर इज नो. जी हाँ जी हाँ बिल्कुल. मैं डी के श्रॉफ को तब से जानता हूँ जब वो मुंबई में पहली बार आए थे और हम सब की तरह उसने भी बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल किया. और आज जब मुझे पता चला कि बिग शॉट नाम की उसने इवेंट कंपनी बनाई है तो मैं उसको बस शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ. और आई होप ये कंपनी बहुत तरक्की करेगी, बहुत सारे कलाकारों को शोज़ मिलेंगे, बहुत सारे कलाकारों को काम मिलेगा और डी के श्रॉफ को भी फ़ायदा होगा. तो यही मेरी ईश्वर से कामना है, यही कहने आया हूँ. और जहाँ तक मेरी बात है, मेरा तो आपको पता ही है, मेरा तो एक ही फंडा है, ज़िंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तू रहने दे हम कर लेंगे. राजू सर आपने काफ़ी कामयाबी हासिल की है अपने क्षेत्र में, लेकिन अभी हाल ही में पता है कि कपिल शर्मा का शो बंद हो रहा है. ठीक है, तो कामयाबी के साथ आपको जो हमारा नेचर होता है या प्रोफेशनल नेचर होता है वो कितना ज़रूरी होता है आपकी समझ से? नहीं देखिए, कपिल शर्मा का शो बंद नहीं होगा. आई बिलीव एक ब्रेक ले रहा है, वो एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है चैनल और कपिल के साथ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ब्रेक ले रहा है. और कपिल ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है, लेकिन मुझे लगता है इन दिनों उसने ओवर वर्क ले लिया था अपने ऊपर, ज़्यादा प्रेशर हो गया था और चैनल का भी प्रेशर था, टीआरपी आनी चाहिए. फिर वो अपनी फिल्म भी बना रहा है फिरंगी, तो दिन में वो शूट करता था फिरंगी की जयपुर के आगे बीकानेर में, फिर वापस आके रात रात ये शो करता था, फिर वापस जाता था. तो मुझे लगता काम ज़्यादा लिया. सर लेकिन उसकी टीआरपी हाई थी, कपिल की टीआरपी देखा जाए तो काफ़ी हाई थी, जब कपिल की टीआरपी उसकी हाई नहीं, जब से वो झगड़ा हुआ था साथियों के साथ, सुनील ग्रोवर इन सब के साथ जो हुआ था, तो ये मैं समझ सकते हैं. नहीं नहीं ये रीज़न नहीं है, मुझे लगता है कि वो ओवर एग्जरेट हो गया है, तो एक ब्रेक लेना चाहिए ताकि फ्रेश तरीके से दोबारा आ सके. करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर राधे से तो घनश्याम हो जाओगे, अगर करोगे प्यार ज़बरदस्ती तो कसम से राम रहीम हो जाओगे. देखिए वैसे तो दुनिया में बड़े ग्रुप होते हैं, कंपनियां होती हैं, लेकिन अच्छी कंपनियां होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कलाकारों को धोखा ना हो. आर्टिस्ट जो हैं उनको काम की ज़रूरत होती है, अच्छे काम मिले, लेकिन जब तक उनको कोई अच्छा मैनेज करने वाला नहीं मिलता, अच्छी कंपनी नहीं मिलती कोई भी आर्टिस्ट जो है, बहुत आजकल मुश्किल हो गया है कि अच्छे मिलना. कहते तो सब अच्छे हैं लेकिन डी के श्रॉफ जी बहुत अच्छे हैं, मैं जितना उनको जानता हूँ बहुत प्यारे इंसान हैं, बड़े ईमानदार हैं. मैंने उनके साथ बहुत काम किया है, रेडी मूवी की है और भी काम किए हैं, हमारा एक अलग एक प्यारा रिश्ता है, बहुत अच्छे इंसान है. मैं तो उनको
دل سے دعا دیتا ہوں کہ ان کی کمپنی بگ شاٹ بہت آگے جائے، ترقی کرے۔ اور کیا کہنا چاہیں گے کہ کامیاب ہونا تو ضروری ہوتا ہے، مان لیجیے اپنی اپنی پہچان بنی ہے، لیکن ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کبھی کبھی ہوتا ہے، سیلیب کی وجہ سے کپل کا شو بند ہو رہا ہے ان کے ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے کارن، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنے بارے میں پوری طرح نہیں جانتا، میں کسی کے بارے میں کیا بتاؤں۔ نہیں، شو بند کرنا نارملی ہوتا نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شو سارے اچھے ہوتے ہیں اور کئی بار کسی کارن سے بریک لینا پڑتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کپل شرما جب دوبارہ آئیں گے تو بڑے دھوم دھام سے آئیں گے، اور جتنا لوگوں نے ان کو پیار دیا ہے ان سے زیادہ پیار ملے گا، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر بندہ بریک لیتا ہے، اس میں کیا ہے؟ نارملی مانا جا رہا ہے کہ کچھ آرٹسٹوں کے انبن ہونے کے کارن نہیں، اتنا مجھے باریکیوں کا تو پتہ نہیں، اور ہم بھی اپنے شو میں تھوڑا بزی رہتے ہیں، دا ڈرامہ کمپنی چل رہا ہے ہمارا، تو میں سمجھتا ہوں یہاں تک کہ ہر بندے کی اپنی اپنی، ہم بھی کئی بار بریک لیتے ہیں، ہم بھی روکتے ہیں، اس کا کوئی ایسا چکر نہیں۔ سر 32,000 کروڑ دیتا ہے انڈیا میں، پھر باباؤں پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا لیتے ہیں؟ یہ دیکھیے، اپنی اپنی آستھا ہے، اس کے بارے میں کیا بول سکتا ہوں، آپ میری باتوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا کوئی ایسی، تو اس لیے ہم اپنی بات کریں۔ تھینک یو۔